तो दोस्तों, मैं प्रोफेसर रिपुरंजन सिन्हा आज आपको व्यक्तित्व की रचना के बारे में बताना चाहता हूँ। मानव के व्यक्तित्व में कुछ अंग होते हैं, इन्हें उप व्यक्तित्व कहा जाता है। ट्रांजेक्शन एनालिसिस में इन्हें ईगो टेस्ट भी कहा जाता है। एरिक वर्न ने ईगो टेस्ट को परिभाषित करते हुए कहा है कि यह उप व्यक्तित्व विचार एवं भावनाओं का संयुक्त यंत्र है जो मानव के व्यवहार में स्पष्ट होता है। मुख्य बात यह है कि ये सभी उप व्यक्तित्व प्रत्येक मानव में विद्वान होते हैं। कौन से हैं ये उप व्यक्तित्व या ईगो स्टेट? टीए के मुख्य संकेतन तीन ईगो स्टेट पर निर्भर करता है, एक तो पेरेंट, दूसरा एडल्ट और तीसरा चाइल्ड। इन तीनों ईगो स्टेट प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक सिगमंड फ्रायड ने इड मतलब चाइल्ड, ईगो मतलब एडल्ट तथा सुपर ईगो मतलब पेरेंट के समकक्ष है। किंतु इन समानताओं का कोई अधिक अर्थ लगाना नहीं चाहिए। पेरेंट मनोव्यवस्था, पेरेंट अथवा को अवस्था को माता पिता के व्यवहार के संदर्भ में समझा जा सकता है। अर्थात जब कोई व्यक्ति पेरेंट मनोव्यवस्था में व्यवहार करता है तो उसके व्यवहार में वही भावनाएं परिलक्षित होती है जो समानता माँ बाप के व्यवहार में दिखाई देती है। पेरेंट मनोविज्ञान से व्यवहार करने वाला होता है व्यक्ति वास्तविक जीवन में माँ अथवा पिता हो, यह कतई आवश्यक नहीं है। एक छोटा बालक भी अवस्था से व्यवहार कर सकता है। उदाहरणतः जब 10 वर्ष का बालक अपनी छोटी सी बहन को प्यार से खिला रहा होता है तो वो पेरेंट मनोव्यवस्था से व्यवहार कर रहा होता है, तथा जब उसकी छोटी सी नन्ही सी बहन अपनी प्यारी सी गुड़िया को पुचकार कर दूध की बोतल से दूध पिलाने की कोशिश कर रही होती है तो वो पेरेंट ईगो अवस्था से व्यवहार कर रही होती है। यह तो हुई प्यार की बात। माता पिता के व्यवहार में तो करुणा, सीख, उपदेश देना, डांटना, प्रशंसा करना, आलोचना करना सभी शामिल है। बायस मनोव्यवस्था, दूसरी मनोव्यवस्था बायस तथा एडल्ट की है। यहाँ वयस वह व्यक्ति नहीं जो 18 या 21 वर्ष का हो चुका है। बायस मनोव्यवस्था का अभिप्राय एक ठहराव तथा संतुलन की मनोव्यवस्था से है। एक एडल्ट व्यक्ति धीरे धीरे गंभीर, विवेकपूर्ण, बुद्धिमान तथा संतुलित होता है। वो आवेश, क्रोध अथवा अति भावुकता के प्रभाव में आकर व्यवहार नहीं करता है। वो जल्दीबाजी में निर्णय नहीं लेता है। एक व्यक्ति जो किसी भी आयु का हो बायस तथा एडल का व्यवहार कर सकता है। वो तथ्यों, तर्क, वास्तविकता तथा अनुभव के आधार पर व्यवहार करता है। वह पूर्ण धाराओं, पूर्वाग्रहों एवं राग द्वेष से कम प्रभावित होकर शांत स्थिर चित्त से निर्णय लेता है। कई बार तो बड़ी आयु के लोग भी ऐसी समझदारी का व्यवहार नहीं कर पाते तो कई बार कुछ किशोर एवं युवक भी एडल जैसा सदा व्यवहार करते नजर आते हैं। बालक की मनोव्यवस्था, तीसरी मनोव्यवस्था बालक की है। उन्हें यह स्पष्ट कर देना उपयुक्त होगा कि बालक की मनोव्यवस्था से सिर्फ छोटी आयु के बच्चों पर ही नहीं हो ये सब आवश्यक नहीं है। जैसा कि ऊपर स्पष्ट किया गया है, कई बार बालक माता पिता तथा वयस्क जैसा व्यवहार कर रहे हैं तो कई बार इसकी ठीक उल्टी स्थिति भी हो सकती है। कई ऐसी कई बड़ी आयु के व्यक्ति मिल जाएंगे जो बालकों जैसा व्यवहार करते हैं। क्या है यह बालकों जैसा व्यवहार? बालक प्रेम करते हैं, मस्ती करते हैं, खाने पीने के शौकीन होते हैं, झगड़ते हैं, लालच भी करते हैं, विद्रोही होते हैं, सृजनात्मकता दिखाते हैं तो नकल भी करते हैं, सरल होते हैं तो चालाक भी, जिज्ञासु तथा कल्पनाशील भी होते हैं। कोई भी व्यक्ति किसी भी आयु में बाल मनोव्यवस्था के इस रोमांचक संसार में प्रवेश कर सकता है। एक दादा अपने पोपले मुंह से जब अपने पोते सा मुंह बनाकर आवाज बदलकर चिल्ला चिल्ला कर शैतानी दिखाकर खेलता है तो स्वयं बालक बन जाता है। यही है बालक की मनोव्यवस्था। तीन अवस्था एक व्यक्ति, चलिए देखें इन तीनों अवस्था को विशेष अंतर है क्या। पेरेंट मनोवस्था में सीख पर बल है, निर्देशन मार्गदर्शन पर बल है। बायस मनोवस्था में विचार शक्ति पर बल है, समझ एवं संतुलन पर जोर है, तथा बालक मनोवस्था में भावनाओं का संकेतन है। पेरेंट मतलब सीखमय जीवन, एडल्ट मतलब विचार युक्त जीवन, चाइल्ड मतलब भावनामय जीवन।
देखा जाए तो सीख, विचार तथा भावनाओं तीनों का समान स्थान ही जीवन में है। इन तीनों का संलेखन ही मानव जीवन को एकत्रित बनाता है तथा उसमें संतुलन स्थापित करता है। हाँ, कुछ व्यक्तियों में पेरेंट मनोव्यवस्था तुलनात्मक दृष्टि से अधिक विकसित होती है, कुछ में बायस मनोव्यवस्था उत्पन्न होती है, कुछ अन्यों में बालक मनोव्यवस्था मनोव्यवस्था का प्रभुत्व होता है। इस प्रकार एक व्यक्ति इस समय में पेरेंट मनोव्यवस्था से व्यवहार करता है तो किसी अन्य समय बायस जैसा व्यवहार करता है, कभी बालक जैसा बन जाता है। व्यवहारिक जगत में हमें कई प्रकार के व्यक्ति जैसे मिलते मिल जाएंगे, जैसे विकसित संतुलन जो तीनों आयुओं में भी समान रूप से विकसित हो, पेरेंट प्रभुता मतलब व्यक्ति जिनकी पेरेंट मनोदशा पूर्णतः विकसित हो, बाकी दोनों मनोदशाएं कम विकसित हो। पेरेंट बायस व्यक्ति जिनका बालक मनोदशा कम विकसित हो, बाकी दोनों व्यक्ति समुचित हो। पेरेंट बालक व्यक्ति जिनका पेरेंट तथा बालक की मनोव्यवस्था अधिक विकसित हो किंतु बायस से कम। बायस बालक व्यक्ति जिनका पेरेंट मनोव्यवस्था कम विकसित हो, बाकी दोनों अधिक। बायस प्रभुता व्यक्ति जिस व्यक्ति में बायस मनोदशा के तत्व सर्वाधिक विकसित हो, बाकी के नहीं। बालक प्रभुता व्यक्ति जिस व्यक्ति में मानव बालक मनोव्यवस्था के प्रभुत्व हो, बाकी दशाएं कम हो। अर्ध विकसित संतुलन वो व्यक्ति जिनमें तीनों मनोव्यवस्थाएं कम विकसित हो किंतु तीन संतुलित हो प्रस्फुटित रूप से। इन अवस्थाओं का चिंतन अगर करें तो मानव व्यक्ति बहुत लचीला होता है। वो कभी भी जटिलता अथवा जड़त्व का शिकार नहीं होना चाहता है। उनका मन, मस्तिष्क, विवेक सभी उड़ान भरते हैं तथा इसी कारण एक ही व्यक्ति कभी शांत होता है तो कभी क्रोधी, कभी धीरज रखता है, कभी उतावला हो जाता है, कभी बच्चे जैसे किलकारी मारता है, कभी चुप रहना सीख समझता है, कभी बाज की तरह उड़ान भरता है, कभी सरस की तरह टकटकी लगाकर खड़ा रहता है। ट्रांजेक्शन एनालिसिस इन्हीं रहस्यों पर से पर्दा उठाता है। इन तीनों मनोवस्थाओं का विवरण अगले प्रश्न में। धन्यवाद।